आज का प्रॉब्लम डिफिकल्ट था क्या बेटा? बिल्कुल भी। नहीं सर, फिर भी तूने इतनी सारी गलतियां की बेटा, तुझे मेरे पेशेंस भी समझ में आने चाहिए कि सर फिर भी कुछ भी नहीं चिल्ला रहे। अभी मैंने छोड़ दिया क्योंकि अभी इतने बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट्स है ना, पर तू ठीक है, तुझे जो नहीं समझ में आया उसका एहसास हुआ क्या? यस इन्वॉल्व होना बेटा, और ये प्रॉब्लम घर पे टाइम लगा के सॉल्व करके मुझे टाइम भेजना ग्रुप पे। हाँ सर, देख ओके तूने सर, इतना। यस चलो, महक कैश इन हैंड, किधर बे दिखाऊ? बैलेंस शीट में एसेट साइड, देख अभी इधर मैं बता रहा हूं, कैश इन हैंड, तू आंसर मत देख। 14,000। ओके चलो कैश एट बैंक कहाँ पे बताऊ? सर, बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक है, 26,000 दिख रहा है ना, मैं टिक करते जा रहा हूं। यस सर, डेटर्स, डेटर्स यस सर, कितना? बैलेंस शीट में एसेट साइड होगा, एट या वहां सिक्सटी से, यस माइनस फोर्टी थ्री सर, हाँ यस सर, देख किया है क्या ये इन्होंने? सिर्फ यस सर, 43,000 जो है उसको तू साइड में लिख के रखना रेड पेन, ये तू रेड पेन से लिखेगी, मतलब बाद में। ओके सर, वैसे तो एडजस्टमेंट्स तूने साइड में नोट डाउन किए ना सभी यस सर, हाँ, यस बेटा? सर, पिछले टाइम से और ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है तुझे? यस सर, आगे बोल। स्टॉक, सर, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग, टू ओपनिंग स्टॉक करके, क्लोजिंग क्या? ओपनिंग, ओपनिंग सर, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ तो बोली। ट्रेडिंग, नहीं सर, ओपनिंग बोला, टू ओपनिंग ट्रेडिंग स्टॉक, के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक 6,20,000। आगे बोल। सर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, यहाँ पे सर 40,000 ऐड होगा सर, नहीं सर सॉरी, लेस होगा, परचेज हुआ सर, अरे अभी मैंने ट्रायल बैलेंस अपडेट किया तो काई को परचेस एंड सेल, ट्रायल बैलेंस में अपडेट करके दिया है। लेस होगा, अभी भी परचेस, अभी देखने की जरूरत है क्या ट्रायल बैलेंस में अपडेट होने के बाद? मतलब नहीं सर, पूछ रहा हूं, फिर मैंने ट्रायल बैलेंस काई को, ये हमाली करनी है तो काई को फिर हमने ट्रायल बैलेंस अपडेट किया, पूरा ट्रायल बैलेंस हमने अच्छे से किया भाई, क्योंकि हमें वही ट्रायल बैलेंस के आइटम्स अभी डायरेक्टली लिखने, नहीं तो इतनी मजूरी काई को की मैंने ट्रायल बैलेंस अपडेट करने की। यस सर, सॉरी सर, ठीक है, फर्नीचर 2,00,000 और उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन 20,000, और पी एंड एल के डेबिट में डेप्रिसिएशन यस वो डायरेक्टली उन्होंने लिया है पूरा डेप्रिसिएशन। आप लोग अलग अलग बताओ या डायरेक्टली बताओ, जैसी आपकी इच्छा होगी। आगे ऑफिस इक्विपमेंट सर, देख, फोर्टी इधर देख, थाउजेंड इधर देख, इधर इधर ही यही देगा सर, यही फॉलो कर। हाँ यस सर, इधर ही देगा सर, 40,000 आर ऐड होगा ऑफिस इक्विपमेंट में, नहीं, आरडीडी दिख रहा है ना, ओ सर, मैं मतलब ऐसे, ठीक है सर, ये देख इधर आरडी, आरडीडी दिख रहा है, इधर जो दिख रहा है वो। ओके हाँ सर, आरडीडी, इंटरेस्ट टेबल 60,000, आरडीडी, 60,000, आरडीडी ये है यस आरडीडी। 33,000 सर, हाँ किधर लिखूं? सर पी एंड एल में, पी एंड एल में डेबिट में किधर? पी एंड एल में वो भी नहीं बोला, पी डेबिट एंड एल साइड के पे, डेबिट साइड में 2 आरडीडी, ये रेड पेन है। आगे बोलो। हाँ इंटरेस्ट पेबल सर बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड, इंटरेस्ट पेबल और रेंट पेबल 1,000, रेंट पेबल एंड इंटरेस्ट पेबल 6,000, उन्होंने लोन में ऐड किया है पर हम लोग यस सर, अलग से बता अलग सकते से हैं। बताएंगे, हाँ आगे बोल। ऑफिस, हाँ ऑफिस इक्विपमेंट सर 40,000 ऐड होगा उससे, और परचेज से डिडक्ट होगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से डिडक्ट होगा सर, अरे बेटा अभी ट्रायल बैलेंस अपडेट किया है, एक ही जो आइटम दिख रहा है उसी को लिखो, अभी परचेस में ओके क्यों जाने, परचेस आगे आएगा ना बेटा, जो सर, ओके सर, लाइन बाय लाइन लिखती जा ना रे, अपडेट किया ना रे, अभी एडजस्टमेंट को क्यों सोच रही है, एडजस्टमेंट हो चुके हैं। एग्जाम में भी ट्रायल बैलेंस ओके अपडेट होने के बाद फटाफट फटाफट लिखने का सिर्फ,
क्वेश्चन के बाद आंसर में फटाफट ऐसा दूसरा इफेक्ट देते बैठेंगे क्या? मैं नो सर, बोल रहा हूं कब से कि ट्रायल बैलेंस को अपडेट किया हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस को डायरेक्ट पोस्ट करो, डायरेक्ट। परचेजेस इसके बारे में सोच रही है तू अभी? परचेजेस दिख रहा है ना ऑलरेडी, माइनस किया हुआ, फिर यस सर, दिख रहा है क्यों तू वापस परचेजेस में घुसी? सर, मुझे लगा सेकेंड इफेक्ट भी देना है क्यों पहले से। देना? ट्रायल बैलेंस चल रहा है ना, यस सर, अपडेट हो चुका है क्या? तो अपडेट हुआ है सर। फिर क्यों सोच रहे हम लोग? इतने मिस्टेक्स करते हैं यार, सच में मैं पक गया हूं। वही चीजें बार बार लगातार वही चीजें। अरे अपडेट करने के बाद क्यों देखना है अभी दूसरा एडजस्टमेंट? चलो धज्जिया उड़ाते हो कॉन्सेप्ट्स का, धज्जिया। कुछ नहीं, दिस इज ओनली द रीजन व्हाई 30% रिजल्ट इज देयर। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस, कुछ भी मन में आए सर ने कितना भी सिंप्लीफाइड करने दे, हम हमारे रास्ते चलेंगे। बोलो सर बिल्डिंग से फिर नेक्स्ट होगा सर, बिल्डिंग से 5% डेप्रिसिएशन। ये 2 लाख लिखा, इसका डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट पीएनडल में जाएगा। बिल्डिंग में 6 लाख लिखा, उसका डेप्रिसिएशन माइनस किया। मोटर कार का दो सर लाख लिखा, उसका डेप्रिसिएशन अलग से माइनस किया। हाँ माइनस चलो आगे बढ़ते रहो। सर, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में सर, लायबिलिटी साइड। इतने डर चुके हैं कि कहां पे जाएगा वो भी नहीं पता। लायबिलिटी साइड आगे। लोन फ्रॉम विश्वनाथ सर, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। लोन फ्रॉम विश्वनाथ लायबिलिटी साइड आगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट सर, ये आरडीडी अकाउंट में अकाउंट ऑलरेडी लिख दिया, और चलो आगे। हाँ ये परचेज में सर, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा टू परचेज करके डेबिट साइड। 13,60,000 यस सर, और फिर परचेस रिटर्न उधर से रिटर्न माइनस वो सर करके लेस हो बताइए। जाएगा परचेज आगे का। बढ़ो। हाँ सेल सेल्स सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट ट्वेंटी साइड थ्री वाला लैक्स सेल। -14,000 और यस सेल्स सर, रिटर्न माइनस कर दिया। हाँ आगे बढ़ो। रेंट फॉर गोडाउन सर, पीएनडल में डेबिट साइड जाएगा सर। सैलरी भूल गया क्या? ओ सॉरी सर, पीएनडल में डेबिट साइड टू सैलरीज। टू सैलरी। हाँ आगे। गोडाउन फिर सर डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, मतलब ये रेंट क्या कर रही है? सर वो पीएनडल में सर डेबिट साइड। 66,000 यस अमाउंट सर, बोलो। 66,000। ओके हाँ सर, ओके। फिर सर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ, ये हाँ सर मैं पीएनडल में अपडेट कर टू इंटरेस्ट ऑन लोन और बस सर पूरा मतलब। 33,000 यस सर, 33,000। बहुत आवाज आ रहा है साइड में, अच्छे से रखो। हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन 33,000। चलो आगे। सर रेट्स एंड टैक्सेस, ये पीएनडल में और डेबिट साइड। 21,000। हाँ फिर सर डिस्काउंट अलाउड, ये पीएनडल में टू डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड। 24,000 आगे। सर पी एंड एल के क्रेडिट साइड में 16,000 बराबर। यस हाँ सर, यस सर, और फ्रेंड फिर ये परचेज में ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा सर, परचेज में ऐड होगा, फ्रेट ऑन परचेज। ट्रेडिंग में आया जाएगा। हाँ यस सर, कैरेज आउटवर्ड पी एंड एल में जाएगा। फिर सर प्रिंटिंग एंड स्टेशन सॉरी सर, फिर ड्राइंग्स, ड्राइंग सर कैपिटल्स लायबिलिटी साइड कैपिटल से डिडक्ट होगा। फिर सर प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये इंश्योरेंस प्रीमियम, ये पीएनडल में नहीं डेबिट रे साइड बाबा, इंश्योरेंस प्रीमियम को अकाउंट एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट सर। 18,000 और 22,000 ये गए, उसको एडजस्टमेंट है। हाँ 55,000 में से क्या एडजस्टमेंट है?
सर 40,000 ड्राइंग्स है, कैपिटल से डिडक्ट होगा, कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस 40,000। हाँ, और पी एंड एल में सर 12,000 जाएगा, प्री हैंडल में 12,000 जाएगा। हाँ और इन प्रीपेड है सर वो लायबिलिटी बैलेंस शीट में एसेट साइड होगा। 3,000 जाएगा। आगे फिर सर जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस पी एंड एल में जाएगा डेबिट साइड, जनरल ऑफिस एक्सपेंस पी एंड एल में डेबिट और साइड। बैड बैड डेट सर वो अकाउंट आरडीडी अकाउंट में जाएगा एक्चुअल बैड डेट्स करके। टू बैड डेट्स। हाँ, और सर बैंक चार्जेस ये पी एंड एल में जाएगा डेबिट साइड सर। बैंक मोटर कार चार्जेस एक्सपेंसेस सर ये भी पी एंड एल में डेबिट साइड जाएगा। कैपिटल अकाउंट सर लायबिलिटी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा कैपिटल अकाउंट। आगे अब सर डेप्रिसिएशन ये सब सब शुरू बोलना एक पड़ेगा मैंने क्या? पेंडिंग करके लिखा हुआ है, ओके इसीलिए सर, लिखा है कि यस बाकी एडजस्टमेंट सर, अपडेट हो चुकी है। ओके सर। सर क्लोजिंग स्टॉक ये ट्रेडिंग अकाउंट में फर्स्ट इफेक्ट जाएगा क्रेडिट साइड, और देन बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, बैलेंस शीट में स्टॉक इन ट्रेड, एसेट साइड। और अभी नेट प्रॉफिट और जीपी निकालेंगे, पहले जीपी फिर नेट प्रॉफिट और फिर कैपिटल में ऐड करेंगे और टैली कर देंगे। मैं करके यस सर बताऊँ या करने वाले हो? कर लेंगे सर। हाँ, कम से कम ट्रेडिंग अकाउंट को 8 लाइन, पी एंड एल को 3/4 पेज, बैलेंस शीट फुल पेज 3/4 पेज। बाकी ये वर्किंग नोट्स की कोई भी जरूरत, सिर्फ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की वर्किंग नोट आएगी, यस सर, समझे क्या? यस सर, बाकी पूरा अपडेट कर दिया था मैंने, तेरी यस सर। गलती क्या हुई बता जरा। सर मैं सेकेंड इफेक्ट फर्स्ट में बोल रही थी, आप बोल रहे थे कि ओनली वन ट्रायल बैलेंस का ही इफेक्ट देना पड़ेगा, और मैं सेकेंड इफेक्ट भी बता रही थी। कुमकुम, पूरा समझ में आया क्या? यस सर, मनीषा, तेरी गलतियां समझ में आई क्या बेटा? यस सर, देख बेटा, एकदम सिंपल है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट ध्यान में रखो। देखो, डेप्रिसिएशन जो होता है ये आपका प्रोविजन होता है, डेप्रिसिएशन। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ये ना प्रोविजन है ना लाइबिलिटी है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ मतलब पी एंड एल में डेबिट देना। इंक्रीज इन प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स, ये प्रोविजन है, ये प्रोविजन, ये प्रोविजन, ये नो प्रोविजन एंड रिजर्व्स। रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये हमारा रिजर्व्स है। एंड लाइबिलिटी फॉर टैक्स, इसके हम लोग प्रोविजन करते हैं। सो डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड लाइबिलिटी फॉर टैक्स, ये हमारी प्रोविजन्स है। ये हम लोग, ये आइटम्स आप लोग 100 पेजेस के बुक में लिख लो कि कौन सी प्रोविजंस। प्रोविजंस के तीन नाम लिखो, डेप्रिसिएशन, इंक्रीज इन प्रोविजन, इंक्रीज इन डाउटफुल डेट्स एंड इनकम टैक्स। और रिजर्व्स में लिखना रिटेन्ड प्रॉफिट एंड बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, नो प्रॉफिट, नो प्रोविजन, नो रिजर्व्स। आप पूरा लिखना, पी स्टैंड फॉर प्रोविजन, आर स्टैंड फॉर रिजर्व्स। पूरा 100 पेजेस के बुक में अच्छे से लिखो। और यहाँ पे ये चैप्टर के सभी इलस्ट्रेशंस कंप्लीट होते हैं, डीवाई के खुद से एक बार देख लो, मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पर आज आप पहले डिस्कस करने के पहले खुद से सॉल्व करोगे। अब ये कब करना? तो ये कल करना, कल, क्योंकि आज आपको इको का पढ़ाई करना है, तो वो अच्छे से कीजिए और उस हिसाब से कंप्लीट कीजिए। सो नाउ फाइनल अकाउंट्स के इलस्ट्रेशंस, ये सेशन में सभी इलस्ट्रेशंस एक साथ। आई थिंक पिछले सेशन में आपने फाइनल अकाउंट्स के सभी क्वेश्चंस को, इलस्ट्रेशन वन तो हमने देख लिया था, यस और नो? यस सर, यस सर। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं बेटा? ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 2 से अच्छी शुरुआत करेंगे। इलस्ट्रेशन 1 हो चुका था,
सो फटाफट फटाफट, इलस्ट्रेशन 2 भी हो गया था शायद से, 2 सर। भी हो गया था वो थ्योरी में ही। 3, 3 से शुरू करना है ना बेटा। हाँ जी, बहुत ही आसान क्वेश्चंस। ग्रॉस प्रॉफिट, आप में से एक एक जन बोलेगा कौन से साइड पे दिखेगा ग्रॉस प्रॉफिट पी एंड एल के। डरो मत, आराम से बोलिए, गलत हुआ तो मैं बता ही दूंगा आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो शुरुआत करते हैं करण दास, आपसे शुरुआत करते बेटा, फटाफट बोलिए। ओके सर, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस कहाँ पे प्रॉफिट रिकॉर्ड पी करें? पी एंड एल के क्रेडिट साइड में। पी एंड एल के क्रेडिट साइड में। सैलरी कैलसी पे लेता सैलरी रहे, पी क्रेडिट एंड के कैलसी साइड पे कैलसी पे भी लेता रहे बाकी लोग। 4 लाख, और डेबिट होगा तो माइनस कर देना और क्रेडिट होगा तो यस प्लस कर सर। देना। तो 4 लाख 20,000। हाँ जी, हाँ सैलरीज तो फिर डेबिट साइड में माइनस होगा ये। पी एंड एल के डेबिट साइड में 1 लाख 10,000 प्लस या माइनस। हाँ माइनस जी, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट डिस्काउंट, है, हाँ क्रेडिट उन्होंने ही फिर दिया ऐड है, होगा। ऐड यस होगा, यस क्रेडिट ऐड होगा। साइड में लिखेगा डिस्काउंट डेबिट -19,000, बैड डेट्स ये भी माइनस बैड डेट्स सेवनटीन डेबिट थाउजेंड माइनस डेप्रिसिएशन डेबिट -65,000। हाँ, लीगल चार्जेस बोल माइनस -25,000, कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी फी फीस -20 32,000, ऑडिट -32,000, फीस -1,000, -1,000, लीगल इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस माइनस सेवनटीन माइनस थाउजेंड ये भी माइनस माइनस स्टेशनरी माइनस माइनस एंड इंटरेस्ट पेड ऑन लोन भी माइनस। ये बैलेंसिंग भी फिगर माइनस कितना आया बेटा, फटाफट बोलिए। मेरा 43,000। 43,000। आपका भी वही आया क्या? यस सर। सबका कैल्सियम 43,000 आया? जिनका यस सर। नहीं आया तो बेटा आपका फोकस कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एंट्रीज, एंट्रीज में क्या करेंगे बेटा? जितने भी डेबिट है उनको क्या कर देंगे? जितने भी डेबिट है उनको, यस करण क्रेडिट कर बोलना। दिया पीएनएल से, डेबिट पीएनएल को डेबिट करके बाकी सब क्रेडिट कर देंगे हाँ जी, और सारे यहाँ पे, एक्सपेंसेस। हाँ तो एक्सपेंसेस को तो क्रेडिट कर देगा, तो इनका बैलेंस क्या होगा? जीरो, जीरो। ओके एंड सर प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट दिखेगा। क्रेडिट वाले सबको क्या करेगा तू? डेबिट, डेबिट तो इसका बैलेंस प्रॉफिट एंड जीरो हो लॉस को। गया। यस सर और जीपी, जीपी को भी तू डेबिट देगा तो उसका डेबिट। बैलेंस भी जीरो जीपी का। एंड पी एंड एल यस को किधर सर ट्रांसफर करेगा? नेट नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट। हाँ और नेट प्रॉफिट किधर यस ट्रांसफर करेगा? कैपिटल सर कैपिटल अकाउंट। में। ओके, चलो एक बार वापस से। पी एंड एल को डेबिट देके एक्सपेंसेस को क्रेडिट एक्सपेंसेस को किया, क्रेडिट। यस सर पहला एंट्री। फिर गेन ग्रॉस को प्रॉफिट डेबिट को डेबिट देके, करके। नहीं, गेन को डेबिट करके पी एंड एल को क्रेडिट किया ओके सर। डिस्काउंट रिसीव को। फिर जीपी यस को यस डेबिट देके पी पी एंड एल को क्रेडिट एंड एल को क्रेडिट किया। फिर पी फिर एंड एल प्रॉफिट को को कैपिटल डेबिट में दे, ट्रांसफर नेट किया। प्रॉफिट निकाला, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर किया। समरी है ये आपकी, 100 पेजेस के बुक में लगे तो। जर्नल एंट्रीज टू ट्रांसफर, जर्नल एंट्रीज टू ट्रांसफर पी एंड एल टू कैपिटल, ये लिख के रखना 100 पेजेस के बुक में। जर्नल एंट्रीज टू ट्रांसफर पी एंड एल टू कैपिटल, अपडेट कर दो फटाफट। नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यस हो गया बेटा? सर। यस सर। लिख लो ना आप लोग, 100 पेजेस के बुक में लिख ही लो। अभी ये छोटी छोटी चीजें लिख लो। एक बार कोई बिना देखे बोलना चाहता है, मतलब यहाँ पे ही प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, कोई भी हैंड रेस कर दीजिए, एक बार देख लीजिए और यहाँ पे बैठ के ही बोल लीजिए, मतलब
कुमकुम, चलो जिसने जल्दी हैंड रेस कीजिए बेटा, मुझे अभी आज उम्मीद ही नहीं है, अभी मैं सबको नहीं पूछते बैठूंगा बेटा, इधर देखना नहीं है कुमकुम। हाँ बोल बेटा। ओके सर, पहली एंट्री होगी पी हैंडल टू एक्सपेंस, हाँ देन सेकंड गेन को ट्रांसफर करेंगे तो गेन टू पी हैंडल, थर्ड जीपी टू पी हैंडल हाँ एंड देन पी हैंडल टू एनपी और एनपी टू कैपिटल। वेरी गुड बेटा। एक बार रौनक आप बताइए। हाँ पीएल पीएल टू एक्सपेंस गेन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एंड ग्रॉस लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चार नंबर का इलस्ट्रेशन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का है। आरडीडी अकाउंट एक, कल डेट क्या है रे बेटा? 29 29 सर। कल तुम्हारा खत्म हो जाएगा ना पूरा मॉक टेस्ट? यस सर, कल खत्म हो जाएगा। बोलना बोलना बोलना। देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2021 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एग्जिस्टेड एट 40,000। ट्रेड रिसीवेबल 31 मार्च को 15 लाख। अभी वी विल एज्यूम बिफोर बैड डेट्स, बिफोर बैड डेट्स तो कितना आया बेटा ये 14 लैक्स। और ये 14 लैक्स पे कितना परसेंट प्रोविजन करना है बेटा हम लोगों को? 5%। चलो जल्दी से बोलो, 14 लैक्स पे 5% मीन्स 70,000। और एक्चुअल बैड डेट्स कितने हमारे? 1 लाख। सो 1 लाख प्लस 70,000 माइनस 40,000, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 1,30,000। यू गॉट द कॉन्सेप्ट? Yes, sir. प्रोफॉर्मा आप सबको पता ही है, प्रोफॉर्मा लिखा है कि हमने नोटबुक में? Yes, sir. 100 पेजेस के बुक में लिखा है ना प्रोफॉर्मा। क्या होगा प्रोफॉर्मा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू डेटर्स एंड, और यह कैसे आएगा एक्चुअल और ये एस्टिमेटेड? लिख दो यस, एक्चुअल और एस्टिमेटेड। चलो लिख दो फटाफट। इजी है क्या बेटा? फटाफट बोलिए। चार नंबर का सम ओवर। यस सर। चलो आगे आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पांच नंबर का। हाँ बेटा बोलिए। सर आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है। सबको ही क्या, सिर्फ आपको? उनके साइड होगा सर प्रॉब्लम, हमारा ठीक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपके साइड से भाई साहब। नॉर्मली मेरे यहाँ पे अभी तो बारिश नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ मुश्किल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रखर, फटाफट बोलिए बेटा कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा, फटाफट बोलना है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ कैपिटल अकाउंट कहाँ पे जाएगा प्रखर?
बोलिए बोलिए, मुझे मजा नहीं आता फिर। दीप प्रखर बोलना नहीं है सर। क्या? यस सर, हाँ बोल जल्दी 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 बोलिए बेटा। हाँ बैलेंस शीट में सर, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पूछा नहीं है वो। इन्वेंटरी, ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड सर, अकाउंट डेबिट साइड, कैश इन हैंड बैलेंस एसेट साइड बैलेंस शीट, शीट एसेट साइड मशीनरी अकाउंट सर, बैलेंस शीट एसेट साइड एसेट साइड। यस आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो अभी संजय फटाफट बोल बेटा, परचेसेस किधर जाएगा? सर। ट्रेडिंग के डेबिट साइड, ट्रेडिंग वेजेस, सैलरी, के डेबिट साइड, पीएनएल के डेबिट साइड, पीएनएल डिस्काउंट अलाउड, के डेबिट साइड, वेरी गुड, डिस्काउंट रिसीव्ड, पीएनएल के क्रेडिट साइड, पीएनएल वेरी गुड, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस, के डेबिट साइड, डेबिट, आंसर मत देखो, सेल्स अकाउंट, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में, और सम ओइंग्स बाय कस्टमर, वेरी बैलेंस शीट के एसेट साइड, गुड, एंड सम ओइंग्स टू सप्लायर, ठीक बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग है, लायबिलिटी साइड, और क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट स्टॉक, एडजस्टमेंट ट्रेडिंग के के कितने, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट्स होते बेटा? तो सर दो। एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ट्रांसफर एंट्रीज आप लोग खुद से कर लोगे बेटा? यस सर कर लेंगे। ट्रेडिंग टू इन्वेंटरी टू परचेज पे सेल्स टू ट्रेडिंग, इन्वेंटरी टू ट्रेडिंग, जीपी निकालना, जीपी पी एंड एल में डालना, डिस्काउंट रिसीव सब कुछ डाल के लास्ट में पी एंड एल को कैपिटल में ट्रांसफर करना। तो ट्रांसफर एंट्रीज ऑलरेडी मैंने लिख के दी है, ये कंबाइंड प्रॉब्लम था। चलो आगे बढ़ते हुए जाते हैं। अभी हम लोग जाएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 6, दयाल ब्रदर्स लिमिटेड, ब्रदर्स सानी का, फटाफट बोलिए कैपिटल किधर जाएगा बेटा? कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, एसेट साइड, 14% टर्म लोन लायबिलिटी लायबिलिटी साइड, लोन फ्रॉम एमएसडी एंड कंपनी, लायबिलिटी लायबिलिटीज, ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट साइड, एसेट साइड, कैश इन हैंड, बैलेंस शीट एसेट साइड, सिर्फ एसेट और लायबिलिटी इतना ही बोलो, इन्वेंटरी इन ट्रेड, एसेट साइड, हाँ ये क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, ये क्लोजिंग स्टॉक है इसलिए आईएमपी मार्क करना, ट्रेडिंग के डेबिट में नहीं जाएगा, ये एसेट साइड पे जाएगा। फर्नीचर, फर्नीचर एसेट, ट्रेड पेबल, एसेट, ट्रेड पेबल, लायबिलिटीज, लायबिलिटी, एडवांसेस टू सप्लायर, एडवांस फ्रॉम सप्लायर, लायबिलिटी, नो 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 एसेट एसेट डेबिट में सॉरी सॉरी नहीं सप्लायर आया, एसेट सर, आईएमपी, नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैपिटल से ऐड, कैपिटल में ऐड होगा और ड्रॉइंग्स कैपिटल से लेस होगा। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, इजी है यस सर, यस सर, यस सर, करके बताऊं या कर लोगे? कर लेंगे सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 7, द बैलेंस शीट ऑफ थापर ऑन 1 अप्रैल 2021 इज गिवन बिलो। ट्रेड पेबल, एक्सपेंस पेबल, कैपिटल, अब ये 1 अप्रैल 2021 है, तब ओपनिंग बैलेंस शीट है दो साइड में, ओपनिंग बैलेंस शीट। ड्यूरिंग 2020-21 इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,30,000 आफ्टर अलाउिंग फॉर फॉलोइंग,
अब रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत है, रेक्टिफिकेशन बोलो या जो भी है। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, एंड प्लांट एंड मशीनरी पे कितना 10%, फर्नीचर पे 5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन 31 मार्च के 22 के बैलेंस में, डोंट कंसिडर ऑन April 21 के क्लोजिंग के, क्लोजिंग के ये ओपनिंग है, ओपनिंग के ऊपर 5% लेना है या क्लोजिंग के ऊपर? क्लोजिंग के ऊपर। बट वाइल प्रिपेयरिंग P&L अकाउंट ही हैड फॉरगॉटन टू प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,80,000, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना भूल गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मनीषा क्या एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी एक्सपेंसेस के वजह से प्रॉफिट कम होगा या बढ़ेगा? प्रॉफिट कम होगा। तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा फिर तेरा अभी? अच्छा दूसरी चीज, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट, ठीक है, तो 18,30,000 में तो कितना ऐड कर देगी बेटा? 18,30,000 में सॉरी लेस कितना करेगी? 1,80,000 ना। हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और 1,80,000 नहीं, एक्सपेंस डेबिट टू ये रिकॉर्ड हुआ, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किधर डाल देगी? लायबिलिटी साइड पे, बराबर है? हाँ। प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री क्या करेगी? प्रीपेड इंश्योरेंस टू प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस टू प्रीपेड। हाँ प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस। ऐसा कौन एंट्री करता है प्रीपेड टू प्रीपेड? इसे एंट्री लाइफ में सुनी है, क्या होती है प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री? प्रीपेड एक्सपेंस में पहले से दिया, एक्सपेंस अकाउंट टू प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस होता है सर। अरे बेटा क्या बोलूं मैं अभी, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है या लायबिलिटी है रे बेटा? इतने टॉपिक होने के बाद तू क्या मतलब, मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा है मनीषा की कंफ्यूजन की भी कोई मतलब हद होती है रे। वन महीना भी नहीं बचा है अभी बेटा, मैंने इतनी मेहनत की है तुम लोगों पे, शांत उसके। प्रीपेड एसेट है या लायबिलिटी है? सॉरी सर, हो गया कंफ्यूजन में। इसमें मतलब जाने दो, चलो ठीक है, अभी कुछ बातें ये छोड़ देता हूँ मैं, अभी अभी आया ना आया, अभी गाड़ी आगे चली गई है। हाँ प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, समझ में आई ना तुझे तेरी गलती? बेटा इतना सिंपल है कि नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, अब भी हमें बुक नहीं करना है तो खर्चे को कैंसिल करेंगे, प्रीपेड को डेबिट देंगे, इतना ईजी तू बोल सकती है रे बेटा? अभी नेक्स्ट ईयर का खर्चा है कि नहीं है? हाँ सर। तो अभी के खर्चे में बताऊँ या नेक्स्ट ईयर के खर्चे में बताऊँ? नेक्स्ट ईयर के खर्चे में। तो खर्चे को कैंसिल करना है, खर्चे को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। और किसको डेबिट देंगे? उस खर्चे को डेबिट देंगे जो हमने पहले, किसको? प्रीपेड, जो हमने पहले से कर रखा है। तो बोलो ठीक है, चलो अभी एक्सपेंस को क्रेडिट किया तो प्रॉफिट बढ़ेगा क्या घटेगा? तो प्रॉफिट बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? इतनी अमाउंट होगी सर, बोल ना बाबा, इधर अमाउंट से सामने कितना है अमाउंट? 20,000। कितना अमाउंट हुआ टोटल P&L में फिर? 16,30,000। 16,30,000 बेटा करना बेटा बराबर, 1830 - 180 + 20 वो तो भी बराबर कर रहे।
हाँ आ गया बरूबर सर, 16,70,000 इन्वेंटरी एसेट साइड पे जाएगा, ट्रेड रिसेबल लाइबिलिटी साइड पे जाएगा, एसेट साइड पे जाएगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भी, और उसके ऊपर प्रोविजन होगी 1 लाख रुपए की, जो ऑलरेडी हमने कर दी है, कैश एट बैंक एसेट साइड, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी साइड, फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना एंड इसके ऊपर डिप्रिसिएशन, और जो नेट प्रॉफिट है वो 16,70,000 लेके ड्रॉइंग्स 6 लाख रुपया माइनस कर देना, तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ठीक है कर लोगे क्या बैलेंस शीट टैली बेटा? सो इसमें नया कॉन्सेप्ट क्या था कि पी एंड एल अकाउंट को रीओपन करना था सर। पी एंड एल को रीओपन करना, बाकी सब कुछ सेम है। इलस्ट्रेशन नंबर 8, बहुत मुश्किल लग रहा है क्या आप लोगों को? मॉक नो सर। टेस्ट के अकाउंट्स के पेपर के टाइम पे क्या हुआ था, कोई बताएगा क्या? मतलब पेपर देके क्या लगा आपको? सर इस तो बार मॉक फर्स्ट टेस्ट वाला इजी था सही सर। है, सेकंड वाला थोड़ा सा था सर। तो कौन सा? सेकंड का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ये सब नहीं किया था ना, तो वो सब थोड़ा टफ गया। अच्छा, और बाकी लोगों का क्या ओपिनियन? तो सेकंड अटेम्प्ट वाला सर, अभी सेकंड मॉक टेस्ट इजी था सर। सेकंड मॉक टेस्ट इजी था, कौन बोल रहा था? हाँ सर सेकंड मॉक टेस्ट इजी था सर। सेकंड मॉक टेस्ट इजी था सर, ओके सर, बहुत इजी था ये वाला। वो पिछले बार से तो बहुत इजी था सर। ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन भी बहुत इजी आया था। इजी नहीं आया, अभी आपकी लेवल भी बढ़ चुकी है। सर आपने जो सम करवाए थे ना, वहीं से ही आया है। अच्छा, और एटलीस्ट 50+ जाओगे? यस सर। हाँ सर इतना तो हो जाएगा आराम से। तो 50+ भी हो गए तो भी काफ़ी है। थर्ड मॉक टेस्ट और अच्छे से देना। अभी थर्ड मॉक टेस्ट शायद से 5 तारीख को है ना? हाँ सर। हाँ सर यस सब तो पार्टनरशिप छोड़ के सब कुछ करवा के दिया है। ओके, तो थर्ड मॉक टेस्ट में एक्सपेक्टेड है, और देखो जून का रिजल्ट आएगा अगस्त में, शायद से जुलाई अगस्त में आ जाएगा, और इस बार आपको टाइम नहीं मिलेगा यदि फेल्योर हुआ तो सितंबर में। नॉर्मली अभी नेक्स्ट टाइम से साइकिल अच्छी चलेगी, सितंबर का अक्टूबर नवंबर 2 महीने में एग्जाम रहेगा, पर कोई भी गिव अप नहीं करेगा। और एग्जाम के भी कुछ बातें मैं बाद में बताऊंगा, रिजल्ट फेल्योर आने दो, पास आने दो, गिव अप नहीं करना है। अभी तो आपके पास मौके भी ज़्यादा है, पर मौके ज़्यादा है इसलिए कैजुअल अप्रोच मत रखना कि 6 महीने में नहीं हो रहा है, 3 महीने में ही हो रहा है। तो बड़ा थोड़ा सा अप्रोच को भी अच्छा रखो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, कोई बात नहीं है, और ट्राई करो लास्ट टाइम तक। 1 महीने में भी मैंने देखा हुआ है लोगों ने पूरा का पूरा चेंज कर दिया, पूरा सिनारियो चेंज कर दिया 1 महीने में। आप लोग अच्छे से अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी है, सिर्फ ये मत सोचिए कभी भी कि मैं भूल जाऊंगा भूल जाऊंगा, भूलने की बीमारी सबको है। ठीक है, सो ये कुछ एडवाइस दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट एडवाइस, अभी एक तो फर्स्ट एडवाइस कि जो भी बच्चे अभी जून अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो पहला एडवाइस ये है कि अप्रोच को कैजुअल अप्रोच में मत कन्वर्ट करो, क्योंकि एग्जाम सितंबर में है, सितंबर में भी एग्जाम आने वाला है, तो अपना अप्रोच ही बदल जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग मैं आपको ये बोलूंगा कि पढ़ाई करते टाइम ये आपको हमेशा होने वाला है कि ये भूल जा रहा हूँ भूल जा रहा हूँ भूल जा रहा हूँ। आप पढ़ते रहो, 100 पेजेस के नोट्स बनाते रहो, साइड बाय साइड लिखो, क्योंकि 2 दिन का जर्नी सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 दिन में जो भी याद कर लेगा वो जाके वहां पे पास हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉक टेस्ट को हल्के में मत लो, मॉक टेस्ट को जितना हो सकता है शिद्दत से प्रिपरेशंस करो। मतलब आप लोगों को मैं, मतलब मॉक टेस्ट के दिन पे तो मैं क्लास रखता भी नहीं हूँ, आपको भी पता है, तो उस हिसाब से बेटा आप लोग आपके कैलकुलेशंस करो, सब कुछ करो। अभी नेक्स्ट मॉक टेस्ट 5 तारीख को शुरू हो रही है, तो उसको भी अच्छे से देना, और वहाँ पे आपको आपका परफॉर्मेंस समझ में आएगा। और इंस्टीट्यूट ने बहुत बढ़िया स्टेप ली है, 3 मॉक टेस्ट, 100 रुपये में 1 मॉक टेस्ट बेटा जाके दीजिए। और इस बार तो तीसरे मॉक टेस्ट को पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, पहले ही, मतलब मैंने नंबर भी दिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, तो वो रजिस्ट्रेशन करवा देना। ओके यस सर।
वो परसों जस्ट एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू आया था विराट कोहली का जियो सिनेमा पे, तो जस्ट देख रहा था, मुझे इतना अच्छा लगा वो भी इंटरव्यू। विराट कोहली ये बोला ही नहीं कि मैं परफॉर्मेंस, मुझे किसी की इसकी आदत नहीं है, मतलब अभी मैं भी रहूंगा तो मैं भी आपको पूछता हूँ कि भाई समझ में आया कैसे लग रहा है। विराट कोहली का जो कॉन्फिडेंस है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तब वो एटीट्यूड बोलो जो उसको मिला है या जो भी है, मतलब हम लोग ये नहीं रख सकते इतना एटीट्यूड। यस, पर वो विराट कोहली में मतलब वो मेहनत कर रहा है इसलिए उसको एटीट्यूड भी वो बता भी सकता है। वो बोल रहा था, इसने सुना होगा लेकिन उसका और ये वीडियो, तो क्या बोल रहा था वो वीडियो में कि मैं ना कोई उम्मीद ही नहीं करता हूँ मेरा परफॉर्मेंस क्या है, मैं फैंस लोगों से ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि आप कोई मुझे बोलो सेहरा हो कि नहीं मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ करके, मैं मुझे ही कॉम्पीट करता रहता हूँ, मुझे कॉम्पीट करने वाला ही मैं हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि आप आके मुझे बोलो कि विराट तू बहुत बढ़िया खेला। अभी ये एटीट्यूड आने के लिए कितने साल लग जाएंगे आप सोचिए, मतलब नहीं हो पाएगा। हम लोगों में एटीट्यूड नॉर्मल इंसानों में तो कभी नहीं आएगा कि मैं ही बेस्ट हूँ, ये बोलने के लिए भी बेटा उतनी हिम्मत लगती है और उतना उसने किया हुआ है कि ठीक है बाकी टीममेट्स क्या कर रहे हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है, सबका फेल्योर होने दो, मैं अकेला अच्छा खेल रहा हूँ ना, तो वो खुद पे फोकस करता है और इसीलिए वो इतना आगे है मेंटली भी। तो आप लोग मतलब धोनी किसी में मैंने इतना एटीट्यूड नहीं देखा, पर इस बंदे में जो एटीट्यूड है वो किस वजह से आया ये भी सीखना चाहिए कि भाई मैं बेस्ट हूँ क्योंकि मुझे कोई भी आगे, मुझे आपके जरूरत ही नहीं है कि आप मुझे क्या बोलोगे और क्या नहीं बोलोगे, आप क्रिटिसाइज करो आप मेरी वाह वाह करो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। और ये परफॉर्मेंस के लिए उसने खुद को हमेशा बेहतरीन बनाया। रोज आपको भी आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी बहुत से बच्चों का यही होता है कि सर समझ में सब कुछ आता है पर प्रैक्टिस ही नहीं किया। आपको दो दो घंटे लेके प्रॉब्लम्स को, जो भी एक कैटेगरी के प्रॉब्लम्स है कुछ मत करिए बेटा, एक कैटेगरी के प्रॉब्लम मैथमेटिक्स के भी आपने कुछ राउंड किए होंगे, जो भी डिफिकल्ट मतलब आप एमसीक्यू जब सॉल्व करते हो तो आपने अभी जो डिफिकल्ट एमसीक्यू को राउंड किया हुआ है तो वही क्वेश्चन को बार बार करो। ये सोचो ही मत कि मुझे ये याद नहीं आ रहा, याद सबको नहीं आता है। आप जब बेसिक याद नहीं आता ना, मेरा लेक्चर 2 के स्पीड से देख लो, पूरा लेक्चर 2 के स्पीड से देख लो, अभी पूरा प्लेलिस्ट भी तैयार हो जाएगा। आप लोगों को भी पता है पूरा प्लेलिस्ट तैयार है, पूरे स्टडी मैट के क्वेश्चंस तैयार है, करना क्या है वही क्वेश्चंस को बार बार देखना है। चलिए, बैलेंस शीट दिया हुआ है, ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री मतलब एसेट्स को डेबिट देना है, लाइबिलिटी को क्रेडिट करना है, कोई बड़ी बात है क्या ये क्वेश्चन में बेटा, है या नहीं है बोलिए। यस सर। चलो आगे जाते हैं। इतने लोग निगेटिव मोड में चले गए हैं, जनरली बताओ मुझे, हैंड रेस करो, जेन्यूनली करो, अभी भी नहीं पढ़ रहे 12 12 घंटे, ऐसे कौन लोग हैं? जेन्यूनली बताओ कि सर नहीं पढ़ रहा हो रहा है मेरे से अभी भी 10 घंटा। काजल कितने घंटे पढ़ती बेटा तू? काजल मनीषा क्या प्रॉब्लम हो रहा है बेटा तेरा? सर आता सब कुछ है, एग्जाम में देखती हुई सारे क्वेश्चन आते रहते पर हो नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा लगता रहता है एंड में। दिमाग में बैठा दिया है बेटा ये चीज। मनीषा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसके लिए, आपने जब तक अपना डर नहीं निकाला, और तू कुछ बहुत बड़ी एग्जाम देने नहीं जा रही है, ये अप्रोच से जा कि ठीक है मैं एक जनरल नॉलेज के एग्जाम देने जा रहा हूँ। मेरा एक पेपर था, मुझे याद है ज्योग्राफी का प्रज्ञा एग्जाम होती थी मेरे टाइम पे, एमसीक्यू की एग्जाम होती थी। एक इंसिडेंस बताता हूँ मनीषा, मम्मी के फोर्स के वजह से मैंने उसमें पेपर में फॉर्म भर दिया था, वो पेपर का फॉर्म मम्मी, क्योंकि हमारे डिवीजन के ऑलमोस्ट 70% बच्चे पेपर दे रहे थे, मुझे इच्छा नहीं थी, ज्योग्राफी मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, और वो एग्जाम जाके बेटा मैंने मतलब मम्मी के फोर्स किया इसलिए 8 दिन ईमानदारी से मेहनत किया, 8 ही दिन एग्जाम के पहले पढ़ाई की, शायद से 5th या 7th स्टैंडर्ड की बात होगी। और जब मैंने एग्जाम दिया उसके बाद सभी बच्चे 2 महीने 3 महीने से उसके क्लासेस लगाए थे, मैंने कोई क्लास भी नहीं लगाया था, उसका एक बुक आता था, मैंने पूरे एमसीक्यू का बुक आता था वो पूरा
एक 15-20 बार मैंने रीड किया होगा 7 दिनों में, मतलब क्लासेस के नोट्स बिट्स कुछ नहीं, और रोज आके मैंने एग्जाम दिया, तो 50 आउट ऑफ 50 वहां पे मुझे मार्क्स मिले बेटे। मनीषा एक छोटा सा इंसिडेंस तुझे शेयर करता हूँ। 9th स्टैंडर्ड में वो भी एक इंसिडेंस तुझे शेयर करता हूँ। हिस्ट्री का पेपर था और हिस्ट्री के पेपर के पहले मुझे ऐसा लगता था, और एग्जाम के पहले सबको ये लगता है, मेरे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ये तू अकेली नहीं है मनीषा, वो सबको होता है। सुबह रात भर पढ़ाई किया, मेरा दोस्त और मैं थे 9th स्टैंडर्ड में, और वो और मैं आके पूरा रात भर पढ़ रहे थे। वो 2 बजे सो गया वो शायद से, और मैं 2 से 3 सोया, मुझे नींद ही आने को तैयार नहीं था। 3 बजे उठ के मैंने वापस पढ़ाई की, 6 बजे तक पढ़ाई की, वापस वो सो गया था। और मैं बचपन से बेटा कंपटीशन रखता था मनीषा, मतलब दोस्तों के साथ भी है ना, ये पता नहीं मेरा नेचर थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव नेचर है बचपन से ही। तो मैं पूरा पढ़ाई किया, 6 बजे पेपर को गया, मुझे लग रहा था कुछ भी याद नहीं आ रहा है, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। रिजल्ट आया 50 में से वो, तब मतलब मैं पेपर लेके बैठा था और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, तो मेरा एक दोस्त पीछे आके, वो सब नाच रहे थे, मतलब अच्छे मार्क्स मिले अच्छे मार्क्स मिले, और मैं बहुत अपसेट होके बैठा था वहाँ पे। वो इंसिडेंस ऐसे ही 1-2 साल पहले हम लोग गए थे घूमने के लिए, तब वो याद किया उसने। तो मेरा दोस्त बोल रहा था कि मैं नाच रहा था कि मुझे 50 में से 43 मार्क्स मिले, बहुत खुश था मैं, और तू साइड में बैठा था। मैं बोला फिर मुझे याद नहीं था, उसने बताया कि तू इसलिए बोल रहा था कि तुझे 49 मार्क्स मिले, और तू इसका अफसोस कर रहा था कि साला 1 मार्क क्यों गया मेरा। तो और ये मैं बात बोल रहा हूँ तुझे, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, ये भी जेन्यूनली मैं बता रहा हूँ तुझे जेन्यूनली, कि कुछ भी याद नहीं आ रहा था एग्जाम के पहले। पर जहाँ पे हम लोग एग्जाम में जाते हैं ना मनीषा, हमने जो मेहनत की रहती है वो सब याद आ जाती है बेटा। तो ये दिमाग में तेरे हमेशा आएगा, पढ़ती रहे, वो सब तू वहां जाके लिखने वाली है, वो 15-2 घंटे 3 घंटे में, और इतना बढ़िया पेपर लिख कि जो तुझे आ रहा है ना सामने वाले को बता दे कि यस ये मुझे आ रहा है, जो नहीं आ रहा है ना उसको तू लास्ट में रख, ये ध्यान में रखना। और जितने भी स्टूडेंट्स है, मतलब ये अभी मोटिवेशन देने का टाइम भी नहीं है, पर ये लास्ट में आपके साथ सबके साथ होने वाला है। क्या होने वाला है आपका सबका हर एक का, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि बार बार आपको ये लगेगा कि अरे ये नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। अभी करने का टाइम क्या है मनीषा, तूने अंडरलाइन किए क्या लॉ के बुक में वगैरह? हाँ सर किए हैं सब, मेन कीवर्ड्स भी किए हैं मैंने। तो बेटा तूने इतनी मेहनत की, तू ये क्यों सोच रहे कि मुझे नहीं याद आएगा? अभी वो कीवर्ड देख के भी तुझे कुछ याद नहीं आता क्या? तो याद आता है, ऐसे लगता है सब पढ़ा तो है फिर भी नहीं हो पा रहा हूँ, हो क्यों नहीं रहा, सब किया हुआ है। ये मन के वहम है बेटा सिर्फ, जो तुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे याद नहीं, तू सबको पूछ, सबको यही डर है। अरे सिलेबस इतना वास्ट है, तो तूने जो कीवर्ड्स निकाले वो पढ़ने के बाद भी तुझे लेक्चर याद नहीं आता क्या? सर याद हो जाता पढ़ने के बाद तो। फिर क्यों डर रही है? वो 2 दिन जो रहते हैं ना बेटा मनीषा, वो पूरा का पूरा वहां पे आपको याद करने का ही टाइम रहता है। एग्जाम से आने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, तू मुझे पूछेगी तो। अभी हम लोग थोड़ी 10th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स भी मिले रहेंगे या अपने कम भी मार्क्स मिले रहेंगे, हर एक मेरी ट्रैंकर को भी तू पूछेगी तो वो 2 घंटे 3 घंटे का खेल है पूरा। देख तो आज ये बात पे सोचना, तो बार बार ये मत बोल कि मैं भूल जा रही हूँ, सब याद आने वाला है ठीक है? ओके सर। चलो ये क्वेश्चन में नया कुछ चीज इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है, जीएसटी आईएमपी याद रखना। जीएसटी की एंट्रीज हमने जनरल एंट्रीज तब की थी, परचेसेस अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। आज वो इनपुट और आउटपुट ट्रायल बैलेंस में आ गए। आउटपुट कब आता है? जब सेल्स किया होगा, तो सेल्स किया होगा तो इट्स अवर लाइबिलिटी, हमने लोगों से कलेक्ट किया, हमें गवर्नमेंट को वो पैसा देना है, पर हम लोग क्या करते हैं इसका सेट ऑफ लेते हैं। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी, देखो ये अलग अलग है। अभी ये सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट मुझे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये देखो
18,000 रुपया जब हमने परचेस किया था तो सामने वाले को पे किया था, कितना पे किया था, कितना पे किया था? 18,000। अभी अभी आप इसका क्या करोगे, सेट ऑफ लोगे। अभी सेट ऑफ में कौन सी चीज ज्यादा दिख रही है आपको, एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड? एसेट साइड, एसेट साइड, एसेट साइड। एसेट साइड आपकी ज्यादा दिख रही। कौन है? एसेट साइड आपकी ज्यादा दिख रही है तो आपको इनपुट सीजीएसटी पहले यूज कर लेना है, और फिर जो बैलेंस है वो हम लोग किसके अगेंस्ट रखेंगे, एसजीएसटी के अंदर। कितने का डिफरेंस है बेटा, 15,000 एंड 18,000, मतलब 3,000 का डिफरेंस है, बराबर है? तो यस सर, यस सर, यस सर। 3,000 का डिफरेंस बोले तो कितना हो जाएगा ये, 3,000। 3,000 रुपये का एसेट से ज्यादा होगा। ये नया कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, कि इनपुट एस जीएसटी हम लोग एसेट साइड पे बताएंगे, समझा? हाँ, यस सर, मतलब सर अगर ये इसको बोलते हैं सेट ऑफ होना। इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ होना। सेट ऑफ मतलब 18,000 मैंने ऑलरेडी पे किया था, 15,000 अभी मैंने सेल्स के टाइम पे कलेक्ट किया, तो गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे, भाई 18,000 तेरे अकाउंट में ऑलरेडी है, 15,000 माइनस कर दे, तो 3,000 रुपये सिर्फ मैं आपको उसका बेनिफिट मैं फ्यूचर में लूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्स्ट्रा 3,000 रुपया पे किया। सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। बासवती जी, सपोज मैंने आपको ऑलरेडी 500 रुपया पे किया है, कितना रुपया पे किया है, 500। 500, और अभी मुझे आपको 300 रुपया पे करना है, तो मैं करूंगा क्या वो 300 रुपया पे आपको? मैं नहीं, आपको आपको क्या बोलूंगा, 500 ऑलरेडी पे किया, उसमें से 300 कट कर लो, हाँ 200 पे तो करेंगे और 200 में फ्यूचर में पे नहीं करेंगे, 200 का मैं बेनिफिट लूंगा ना आगे फ्यूचर में, अभी पे क्यों करूंगा? 500 ऑलरेडी पे करके बैठा हुआ हूं, 300 रुपया पे करना बाकी है, तो 200 का बेनिफिट लेंगे। 200 का इन फ्यूचर में एक्स्ट्रा बेनिफिट लूंगा। अभी नेक्स्ट टाइम मेरा बिल 400 आया, 450 आया, तो आप क्या बोलोगे, 450 मुझे आपको देना है, तो आप क्या बोलोगे? आपने मुझे पहले 500 दिया था। 300 का बेनिफिट ऑलरेडी ले लिया मैंने, 200 बाकी था बेनिफिट लेना, अभी बिल नया 450 आया, तो क्या होगा? तो जो बैलेंस रहेगा उसका मुझे आपको पे करना पड़ेगा। मैं आपको पे करूंगा ना, आप बैलेंस आप क्यों मुझे पे, सर आप 250 रुपये पे संकेत है करोगे। यहाँ पे, बासवती जी है, तो आप मुझे बोलिए कि संकेत सर ने आपको ऑलरेडी 500 पे किया है, मेरा अकाउंट कैसे बनेगा, मैं उसमें से आपको कितना ऑलरेडी पे किया है 500, अभी कितना लाइबिलिटी आया मेरा 300 300, इन फ्यूचर लाइबिलिटी मेरा 450 आया, तो मैं आपको कितना पे करूंगा फिर सेटलमेंट करने के लिए? सर 250 का। बस इतना सिंपल है, 500 का 200 ये हो गया, 200 एडजस्ट किया और 450 का बिल आया, तो 250 पे करके हिसाब खत्म करो। जाने दो, आया तो ठीक है, अभी ये टाइम भी नहीं है इतना बताने का, सिंपल है। 18,000 रुपया ऑलरेडी मैंने पे कर दिया है, 15,000 की मेरी लाइबिलिटी बन रही है, क्रेडिट है, तो मेरा कितने का बेनिफिट बाकी है, 3,000, और 3,000 मैं एसेट साइड पे बताऊंगा, इतना सिंपल है। अभी इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिए, ये बहुत सिंपल है। एक बार कौन सा कहाँ पे जाएगा कोई बताना चाहता है तो बोल दीजिए, हैंड रेज कीजिए, क्योंकि आप इतने सिंपल कॉन्सेप्ट कभी कभी नहीं बोलते हो ना। यस लोकेश, फटाफट बोल बेटा, अमर को बोलने दे। चलो अमर,
अमर बोल बेटा फटाफट। कैपिटल सर, कैपिटल हमारा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड मतलब हाँ ओपनिंग लिखेंगे, बोल बोल चल और चल दे। परचेज एंड सेल हमारा, परचेज हमारा ट्रेडिंग का डेबिट साइड एंड सेल्स हमारा ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड, और ओपनिंग इन्वेंटरी हमारा ट्रेडिंग का डेबिट साइड, और ट्रेड रिसीवेबल हमारा बैलेंस शीट का एसेट साइड, ट्रेड पेबल हमारा बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड, हाँ और 14% बैंक लोन हमारा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, और ओवरड्राफ्ट भी हमारा लाइबिलिटी होता है तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, हाँ सैलरी हमारा पीएनएल का डेबिट साइड, एडवर्टाइजमेंट ओडी भी हमारा लाइबिलिटी बैंक, साइड ना। हाँ यस सर, रिटर्न रिटर्न्स आईएमपीए, डेबिट वाला किस में से माइनस करेगा? सेल्स में से माइनस, और क्रेडिट वाला परचेजेस परचेज में से में से माइनस। फर्नीचर हमारा बैलेंस शीट एसेट साइड, बिल्डिंग भी एसेट है, कैश इन हैंड बैलेंस शीट एसेट साइड, और इसको एडजस्ट करना पड़ेगा ये इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी को, तो 18,000 पे कर चुके थे और 15,000 पे करना है, तो 3,000 हमारा बैलेंस बच रहा है एसजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, जो कि बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा, बराबर ट्रेडिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा क्रेडिट बैंक बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक यस सर। है बहुत बढ़िया। डेप्रिसिएशन का इफेक्ट अब ये देखो, ये भी एक बार देख लीजिए यहाँ पे तो, और एक बार आईएमपी आया ये इनपुट सीजीएसटी का क्या करेगा, आउटपुट सीजीएसटी के साथ इसको सेट ऑफ लेगा, मतलब कितना बचा 2,000 2,000। इनपुट एसजीएसटी का इनपुट ये भी 2,000 बचा बेटा, यस सर, और फिर आउटपुट एसजीएसटी कितना है, आईजीएसटी 6,000 6,000, और बैलेंस 4,000 है, तो आउटपुट आईजीएसटी तेरा लाइबिलिटी दिखेगा, कितना लाइबिलिटी देखेगा बेटा, 2,000। लाइबिलिटी समझ में आया क्या? ये यस सर, देखो आईजीएसटी का 6,000, सीजीएसटी एसजीएसटी इनपुट दो ही है, 10,000 10,000, तो आईजीएसटी का पहले सीजीएसटी के साथ लेना है फिर एसजीएसटी के साथ लेना, आया समझ में? यस सर, ठीक है, पहले पहले अपना घर ही देखना है, पहले किसका घर देखेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी हाँ सीजीएसटी सीजीएसटी के साथ, ये ध्यान में आया क्या? इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी, ये एक दूसरे के साथ सेट अप करने, फिर एसजीएसटी एसजीएसटी और आउटपुट आउटपुट, का हाँ एक दूसरे के साथ, फिर बैलेंस देखेंगे, इनपुट ज्यादा है अच्छी बात है, आउटपुट ज्यादा है तो लाइबिलिटी है, आया समझ में? यस सर, और इनपुट ज्यादा है तो एसेट है, फिर इनपुट का जो बेनिफिट है ज्यादा रहेगा, फिर वो आईजीएसटी के पास जाना है, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल, एसजीएसटी मतलब स्टेट, एंड आईजीएसटी बोले तो इंटर स्टेट, आया समझ में? अरे आया क्या समझ में? यस सर, चलो ये एक प्रॉब्लम आप लोग करना, डरना मत, एक एक का घर इन देखो 10 वापस एक बार, कौन बताएगा? कुमकुम बता बेटा एक बार वापस, पहले किस दोनों को देखेगी तू? तो पहले इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी को ये करेंगे सेटअप ए फर्स्ट, वन एल वन, हाँ कौन A1 ज्यादा है ए वन एल वन में? ज्यादा है 2,000 से, एसेट 2,000 ज्यादा है, फिर यस सर, देन ए आउटपुट टू सीजीएसटी एंड एल आउटपुट टू, इनपुट सीजीएसटी तो ए वन एसजीएसटी, माइनस एल वन करके कितना बैलेंस बचा, 2,000 ए वन, ए टू माइनस एल टू करके 2,000 ए टू, एंड लाइबिलिटी 3, तो कितना कितना है तेरे पास दोनों का टोटल 4,000, एंड लाइबिलिटी 3 या एसेट एक्स्ट्रा है, 3 तो के फिर साथ तू लाइबिलिटी भी बच यूज कर जाएगा, सकते, तो लाइबिलिटी 3 तेरी ज्यादा है, अभी इजी लग रहा है, ओके
पहले ए वन एल वन लेने का, ए टू एल टू लेने का, ए थ्री उसकी टोटल आएगी और वो आई जी एस टी के साथ एडजस्ट करने का। यस सर। इजी? यस सर। 11 नंबर भी बहुत इजी है, फिक्स एसेट को एक साथ करना है। 12 नंबर मस्त प्रॉब्लम है एकदम। 12 नंबर हम लोग करेंगे। 12 नंबर प्रॉब्लम में थोड़ा दम है, यही सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे इलस्ट्रेशन 12 जैसे, समझ लो कैसे सॉल्व करना है। ये सम सॉल्व करते टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि हम लोग पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस को अपडेट करेंगे एडजस्टमेंट्स के साथ। क्या करना है बेटा आपको, पहले ट्रायल बैलेंस को पढ़ के ट्रायल बैलेंस को अपडेट करना है। ओके, फिर क्वेश्चन को देखना ही नहीं है, फिर क्वेश्चन को देखना ही नहीं है, ये ध्यान में रखो। जैसे कि अभी डेप्रिसिएशन, यस कुमकुम कितना डेप्रिसिएशन है बेटा? 5% 5% डेप्रिसिएशन है। चलो तो ऊपर देख बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग का बैलेंस देख। हाँ तो बिल्डिंग के बाजू में 5% लिख देगी, आया समझ में? कैलकुलेशन बाद में करेंगे। आगे कौन है बेटा? फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर, ओके। यस सर। 10% वन स्टील परचेज ड्यूरिंग द ईयर 14,000 का वॉज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस बट द सेल प्रोसीड्स रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। 14,000 का 14,000 में ही बेचा तो प्रॉफिट लॉस हुआ क्या कुछ भी? नहीं हुआ क्या? नहीं। एक्चुअली इसके ऊपर थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन आना चाहिए था, पर वी विल अज्यूम कि आज खरीदा दूसरे दिन ही बेच दिया। आज खरीदा और दूसरे दिन ही बेच दिया, तो 14,000 मुझे एक बात बता, हमने किस में डाल दिया वो एंट्री? सेल्स में। एक्चुअली क्रेडिट किसको करना चाहिए था? फिक्स्चर को, कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स्चर, पर हमने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो अभी सेल्स में से भी कम करेंगे और फिक्स्चर में से भी कम करेंगे। सेल्स में से कम करना मतलब क्रेडिट में से कम करना, एंड फिक्स्चर में से कम करना मतलब डेबिट में से कम करना। बराबर है? डेबिट भी कम किया, क्रेडिट भी कम किया, मैच हुआ क्या? नहीं हुआ, हो गया। सो ये एक आईएमपी एडजस्टमेंट, ये एग्जाम के पहले देख लेना। एक काम करो, 100 पेजेस के बुक में आ जाओ, 100 पेजेस के बुक में आ जाओ, ये एडजस्टमेंट लिखो। चलो बेटा फटाफट फटाफट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की समरी बनाओ। चलो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बनाओ, चलो समरी। नंबर वन, इलस्ट्रेशन 12 का रेफरेंस देना, रेफरेंस इलस्ट्रेशन 12, फर्नीचर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो मनीषा रेक्टिफिकेशन में क्या करेगी तू? सर हम फर्नीचर फिक्स्चर में से भी माइनस करेंगे। सेल्स से में से माइनस किया मतलब क्रेडिट में से माइनस किया। हाँ। और दूसरा फर्नीचर फिक्स्चर में से माइनस करेंगे मतलब डेबिट में से माइनस किया। टैली हो गया?
यस सर। चलो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। चलो 14,000 सेल्स किधर है उधर से माइनस करो, अपडेट करो ट्रायल बैलेंस को, कितना है सेल्स 23 लाख एंड फर्नीचर कितना है बेटा 2,40,000 14,000। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है 10%। वेरी गुड बेटा वेरी गुड। नेक्स्ट अभी बता, ऑफिस इक्विपमेंट परचेस ऑफ अ टाइपराइटर 40,000 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, लिख दे टाइपराइटर परचेस्ड रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, क्या करेगी अभी तू मनीषा? परचेस में से माइनस करेंगे सर। परचेस में से माइनस करेंगे मतलब क्या माइनस हुआ? डेबिट में से माइनस। हाँ, और दूसरा इफेक्ट किधर देंगे? टाइपराइटर बोले तो ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट में क्या करेंगे? माइनस करेंगे उसमें भी, वो क्रेडिट है। ऑफिस इक्विपमेंट को कौन सा बैलेंस होता है नॉर्मली बेटा? ऑफिस इक्विपमेंट हमारी एसेट हुई। एसेट, अभी एसेट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। डेबिट, और डेबिट में से ही माइनस किया, अब डेबिट भी माइनस और डेबिट भी माइनस, तो ये बराबर होगा क्या? तो सर ऐड होगा, ऐड होगा, बराबर नहीं होगा। लॉजिक लगा ना बेटा थोड़ा सा, कि परचेस टाइपराइटर को परचेस किया, थोड़ी सेल किया है, अभी परचेस करने के बाद एसेट बढ़ती है क्या कम होती है? परचेस करने का एसेट बढ़ेगी तो फिर बढ़ाना पड़ेगा ना बेटा। यस प्लस, एक में माइनस होगा एक में प्लस। ये इसलिए मैं, मुझे पता है तू ऐसा ही करेगी, ऑफिस फर्नीचर माइनस, मुझे गारंटी थी ये कि आप लोग वही करोगे, खुद को पूछोगे भी नहीं कि भाई, इसलिए मैं लिख के दिया। तुझे पता है मैंने क्यों लिख के दिया डेबिट माइनस डेबिट प्लस? ताकि तुम्हारा ध्यान रहे कि भाई मैं गलती कर रही हूं, इसलिए लिख के दिया, बाकी कोई उसमें ये नहीं था। और मुझे गारंटी थी तू बोलेगी ऑफिस इक्विपमेंट लेस करेंगे क्योंकि ऊपर फर्नीचर लेस किया है, पर तूने देखा ही नहीं, वो सेल था, ये परचेस है, परचेस हुआ तो मेरे पास एसेट बढ़ता है। और ठीक है वो भी नहीं देखा, तो ये तो भी देखना चाहिए कि एक डेबिट कम कर रही हूं और दूसरा भी डेबिट कम कर रही हो तो मैं टैली कहां से होगा, है कि नहीं मनीषा? और तू फिर बोलेगी कि सर मुझे समझ में ही नहीं आता, सब बेसिक्स क्लियर होने के बावजूद, है क्या तेरे बेसिक्स वीक इतने? नहीं वीक तो नहीं है सर। फिर भी ये इतनी छोटी छोटी गलतियां करने की, कितना हुआ फर्नीचर में, इक्विपमेंट में कितना ऐड हुआ? अरे अमाउंट बोल, 40,000 40। हाँ 40। और किस में से माइनस करूंगा? परचेस में से। बेटा बाद में लगता है कि मैं कितना गलत करती हूँ करके? हाँ सर। क्यों पर ये चीज फोकस नहीं है? चलो मोटर कार का क्या है बेटा? डायरेक्ट 20%। ठीक है आगे बोल, वैल्यू ऑफ द स्टॉक एट द एंड ऑफ द क्लोज ऑफ द ईयर कहां पे करेगी? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, कौन सी साइड? क्रेडिट। 2 months ऑफ द रेंट ऑफ गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग, मतलब कितने महीने का पे किया है अभी तक?
दो महीने का पे किया है। देख तीसरी एडजस्टमेंट, ठीक है सर। रेंट ऑफ गोडाउन 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग। अभी ट्रायल बैलेंस में रेंट कितना दिख रहा है देख, ट्रायल बैलेंस में रेंट कितना दिख रहा है, 55,000 सर। 55,000। कितने महीने का है ये? पूरे महीने 12 मंथ। अभी 2 महीने का आउटस्टैंडिंग होगा तो कितने महीने का पे किया होगा बेटा हमने? 10 महीने का, तो तू कितना महीने का बोल रही है? 12। 2 महीने का कितना होगा यदि 10 महीने का 55,000 है तो? बिना डरे कैलकुलेट कर। हाँ 11,000। 11,000 बराबर है। अभी 11,000 55,000 डिवाइड बाय 12 × 2 मंथ्स, 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग हुआ 11,000 आउटस्टैंडिंग। क्या इफेक्ट्स देगी अभी इसके? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, हाँ, रेंट में कितना बढ़ाएगी? रेंट में 11,000 11,000 डेबिट प्लस डेबिट। हुआ। और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी बढ़ रही है सर हमारी। रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बढ़ रही है, मतलब क्या हुआ? क्रेडिट प्लस क्रेडिट टैली हुआ क्या? बैलेंस, डेबिट भी बढ़ रहा है, क्रेडिट भी बढ़ रहा है, तो टैली हो गया, सिंपल। हाँ जी बेटा बोलिए। हाँ सर 55,000 डिवाइडेड बाय 10 आएगा ना, आपने वहां पे 12 दिखाया है। अच्छा सॉरी, सबने बराबर लिखा ना बाकी लोगों ने? 10। सो रेंट एक्सपेंसेस में बेटा इधर ट्रायल बैलेंस अपडेट कर दूँ, एक्सपेंसेस में 11,000 बढ़ा देता हूँ, एंड रेंट पेबल एक नया आइटम खोलता हूँ और क्रेडिट बैलेंस देता हूँ 11,000। ठीक है, यस सर। अपडेट हो गया क्या ट्रायल बैलेंस इसके वजह से? हाँ, यस तो तीसरे एडजस्टमेंट के वजह से ट्रायल बैलेंस हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन इज 12%। तो लोन टेकन 1 मई को रुपीस कितना लोन दिख रहा है देख बेटा क्वेश्चन में? 15 लाख। कितना है लोन? लोन लोन 3 लाख 3 लाख का है सर, क्रेडिटर के नीचे। हाँ 3 लाख का। तो बेटा कितने महीने का ब्याज लगाना चाहिए? 11 उसको बोलने दो ना मनीषा को बेटा। 1/5 को लोन लिया है बेटा, यस 31 मार्च तक कितना होगा? एक 5 तक लोन लिया है, 31 मार्च। हाँ 11 महीने, अप्रैल महीने को नहीं कंसिडर करने का, 12 महीने में से एक अप्रैल महीने है, को नहीं लेने का। नहीं हाँ तो ऐसा मई जून जुलाई ऐसा नहीं कैलकुलेट करने का, कभी कभी रिवर्स थोड़ा दिमाग लगाने का। ओके, यस 3 लाख का 12% से 11 महीने के लिए कितना होगा बेटा? सर। 33,000। 33 ना? यस सर 33। अभी ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट कितना दिख रहा है देख, ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट कितना दिख रहा है? इंटरेस्ट 27,000। 27,000। तो आंसर क्या होगा तेरा? इस तरीके से सभी एडजस्टमेंट्स को, हजार हाँ क्या करेगी तू? देयर फोर किसमें ऐड करेगी तू?
एक्सपेंसेस में 6,000 ऐड करेगी तो डेबिट प्लस। दूसरा इफेक्ट, दूसरा सर क्रेडिट इफेक्ट होगा। क्या करके बताऊ हेड, इंटरेस्ट पेबल। हाँ जी बेटा, सोचा तो सब आता है, सब इंटरेस्ट पेबल 6,000 लाइबिलिटी साइड पे, क्रेडिट प्लस। ना समझी? आ गया सर, समझ आ गया। अभी ट्रायल बैलेंस अपडेट कर देंगे। 27,000 के बाजू में कितना लिखूं? 6,000। एंड इंटरेस्ट पेबल कितना लिखूं? लाइबिलिटी नया आइटम 6,000। ट्रायल बैलेंस अपडेट हो गया क्या? यस सर। ये भी हो गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी मेंटेन्ड 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। प्रोविजन अकाउंट दिख रहा है क्या क्वेश्चन में? देख, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करके अकाउंट दिख रहा है क्या? यस सर है। 30,000 अभी इसका भी एडजस्टमेंट बना लेते, मतलब तेरे सभी एडजस्टमेंट एक साथ हो जाएंगे। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिख रहा है देख, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कौन सा बैलेंस दिख रहा है उसको? क्रेडिट बैलेंस कितना? 30,000। 30,000 और क्या दिख रहा है इसी से रिलेटेड बता देख के? ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिख रहा है 20,000। बैड डेट्स 20,000 दिख। और क्या दिख रहा है? डेटर्स दिखना चाहिए ना, ट्रेड रिसीवेबल 8,60,000। 860। यस सर। और इसकी एडजस्टमेंट क्या है, कितना परसेंट प्रोविजन करना है? 5%। अब इसका आंसर, कौन सा अकाउंट खोलेगी तू? प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हाँ पता, क्या क्या लिखू इसमें? सर बैलेंस दिया है 20,000। 30,000 दे रखा है, प्रोविजन कर रखा है। कहाँ पे लिखू? क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। एक ही इफेक्ट दू ना इसका बेटा? यस सर। हाँ जी, दूसरा, दूसरा बैड डेट्स भी दे रखा है। हाँ वो एक्चुअल बैड डेट्स होंगे। हाँ सर। इधर लिखू? बैड डेट्स हमारा क्रेडिट साइड ही आएगा। प्रोफॉर्मा याद नहीं है क्या तुझे? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अभी तू बैलेंस देख बेटा, उसको कौन सा बैलेंस दिख रहा है? बैलेंस तो देख, बैलेंस देख के भी आधी चीजें बोल सकती है तू। कौन सा बैलेंस है? डेबिट साइड। डेबिट तो कौन से साइड पे लिखना चाहिए? चलो मुझे प्रोफॉर्मा भी याद नहीं है एग्जाम में, फिर भी डेबिट क्रेडिट देख के तो बोल सकते हैं ना हम लोग। हाँ सर, डेबिट साइड आएगा। और ये एक्चुअल बैड डेट से पहले ही मैंने बोला था कि एक्चुअल बैड डेट्स डेबिट में, एस्टिमेटेड बैड डेट्स क्रेडिट में। प्रोफॉर्मा भी लिख के दिया, पर हम लोग नहीं याद रखेंगे क्योंकि हमें रिविजन ही नहीं करनी है घर पे। टू डेटर्स एक्चुअल बैड डेट्स 20,000, तो डेटर्स ऑलरेडी कम कर दिए है कि नहीं बेटा? 8,60,000 में से ये आफ्टर बैड डेट्स ही है कि नहीं बेटा? यस सर। अभी ये प्रॉब्लम, और आपको जो एक स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन दिया था, कौन से नंबर का इलस्ट्रेशन था? शायद से 4 नंबर का। तो वहां पे डेटर्स में से हमने माइनस किए बैड डेट्स, फिर प्रोविजन की। यहाँ पे डायरेक्ट 5% करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? यस सर।
कितना परसेंट प्रोविजन करने को बोला है? 5% ऑन डेटर्स ना. यस सर. ये एक इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में से आया. ये एक इफेक्ट भी ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट होता है. सो 8,60,000 के कितने परसेंट? 5%. कितना आया? 43,000. अब ये 43,000 का सेकंड इफेक्ट किधर देगी तू? बैड डेट्स के प्रोविजन कहाँ दिखाई जाती है? पीएनएल में. कैरिड डाउन है तो मुझे एक बात बता. एक सेकंड में जो बोलो वो बता. कैरिड डाउन हम लोग किधर दिखाते हैं? पीएनएल में या बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में. तू किधर बता रही है? पीएनएल में. देख कितनी सोचने वाली चीजें है कि इम्प्रूवमेंट करनी है फिर भी हम लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोग सोच नहीं रहे कि सर का थिंकिंग और मेरा थिंकिंग मैच होने को टाइम लगेगा. तो टू बैलेंस कैरिड डाउन का सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट में. अभी टू बैलेंस कैरिड डाउन मतलब कौन सी साइड ज्यादा है? हमारी क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड ज्यादा है इसलिए हमने टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखा. क्रेडिट ज्यादा है तो नॉर्मली क्रेडिट कहां पे बताया जाता है? बैलेंस शीट में. लायबिलिटी. लायबिलिटी साइड. पर प्रोविजन हम लोग लायबिलिटी साइड पे बताते हैं या डेटर्स में से माइनस करके बताते हैं? डेटर्स में से माइनस करके बताते हैं. बेटा इतना इजी था पर तू नहीं सोच पाई. कभी कभी तुझे भी लगता रहेगा कि मैं कितना इजी चीज को डिफिकल्ट कर देती हूँ. मैं कितना रट्ट लेती हूँ. मैं रट्ट लेती हूँ ये कैसे समझ में आया? ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये तूने बराबर बताया. बैड डेट्स अभी बैड डेट्स में तू ब्लैंक. चलो मैं बोल रहा हूँ ब्लैंक भी हो गई तो भी तूने सोचना चाहिए था. डेबिट है. डेबिट है तो अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देती हो. ट्रेड रिसीवेबल वो तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे पर उसके ऊपर की प्रोविजन ये हम लोग उसमें से माइनस करके बताएंगे जो टू बैलेंस कैरिड डाउन है. तुझे लगता ही है तेरे लिए डिफिकल्ट था? नो सर. पर तू उसको डिफिकल्ट बनाती है. तू नहीं तेरे जैसे बहुत से लोग. ये तो तू अभी बोल गई इसलिए मैं तुझे बताया. मतलब तेरे जैसे 15-20 लोग है जो ये नहीं सोच पाते और फिर उनका 90+ का चांस ही चला जाता है क्योंकि एम इज ऑलवेज नॉट हाई. क्योंकि मुझे रिवीजन नहीं करनी है. मुझे थिंकिंग नहीं डेवलप करना है. मुझे कुछ नहीं करना है. मुझे रटना है. सिर्फ रटना है. मैं एडजस्टमेंट को साइड में नहीं निकालूंगी. इस तरीके से मैं पढ़ाई नहीं करूंगी. सर ने प्रॉब्लम लिया तो ही मैं करूंगी नहीं तो नया प्रॉब्लम मैं देखूंगी भी नहीं. ना मैं पास क्वेश्चन खुद से ट्राई करूंगी. इतना स्पून फीडिंग नहीं अच्छा है लाइफ के लिए. चलो बैलेंसिंग फिगर को पीएनएल में डालते हैं. कितना डालेगी पीएनएल में तू? 37,000. कितना? 33. इसका सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा? इसका सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा मनीषा? अभी बाय पीएनएल लिखा है तो पीएनएल के डेबिट में ही जाएगा ना बेटा. ये भी मैं बताऊं कि बाय पीएनएल अभी इसके लिए एनपीओ के 500 प्रॉब्लम सॉल्व किए रहेंगे हमने. सब्सक्रिप्शन तो मैं तो एक ही इफेक्ट होगा ना. यहाँ जब यहाँ क्रेडिट है तो वहाँ डेबिट होगा. तो मैंने वही लगा कि लिखा हुआ तो बाद में एडजस्ट हो जाएगा एंट्री. तो ये बोलने को क्या प्रॉब्लम था फिर? तो एक ही इफेक्ट हुआ ना फिर. पीएनएल के डेबिट में जाएगा. हाँ आपने सेकंड इफेक्ट पूछा है तो ये एक इफेक्ट हुआ तो दूसरा इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में है. क्या बोल रहे तुझे ही समझता है बेटा. दो इफेक्ट्स होते कि नहीं? एक अकाउंट के क्रेडिट में हुआ तो दूसरा इफेक्ट किधर जाना चाहिए? डेबिट में.
हर एक का, अभी इसका क्यों एक इफेक्ट नहीं आया, दूसरा इफेक्ट बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन का, क्योंकि इसका एक भी एक ही इफेक्ट होगा ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग. हाँ, ट्रायल बैलेंस के आइटम के एक इफेक्ट होता है. टू डेटर्स जो बैड डेट से वो भी ट्रायल बैलेंस से आया. टू बैलेंस कैरिड डाउन का दूसरा इफेक्ट डेटर में से माइनस हो जाएगा. एंड लास्ट वाला जो है बाय पी एंड एल का दूसरा इफेक्ट पी एंड एल के डेबिट में जाएगा. इतना सिंपल है फिर भी चलिए ठीक है. ट्रायल बैलेंस को अपडेट करता हूं. पी एंड एल में जो जाने वाला है वो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये मेरा कितना दिखेगा तो 33,000. एंड आरडीडी पी एंड एल में कितना जाएगा? 33,000. और डेटर्स में से कितना माइनस होगा? 43,000. बोल ना रे बाबा, बोल ना रे, बहुत मतलब इतना स्लोली चल रहा है ना बेटा. डेटर्स किधर है? स्टार्टिंग में. और दोनों ये किधर गया? प्रोविजन फॉर डाउट बैड डेट्स किधर लिखा तूने? किधर लिखा बेटा? स्टार्टिंग थी, बैलेंस ब्रॉट डाउन था. अकाउंट में लिखा ना? हाँ, प्रोविजन वाले अकाउंट. हाँ, और बैड डेट्स भी तूने अकाउंट में लिखा. हाँ, उसके एंट्री भी हो गई. हो गया ये भी, हो गया ना चारों. ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट और अकाउंट में जिसके दो इफेक्ट्स आए उसको यहाँ पे लिख दिया. चलो आगे. इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 40,000 टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ पॉलिसी. अच्छा, अभी सबसे पहले तो 6 नंबर की एडजस्टमेंट समझा क्या तुझे? लिस्ट कैसे बनाते एडजस्टमेंट्स का? हाँ सर. ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है?
मिल रहा है क्या? यस सर, 55,000। 55,000 हाँ। अभी एडजस्टमेंट क्या है इसकी? टूवर्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रोप्राइटर का लाइफ पॉलिसी हाँ, कितना? 40,000। 40,000। और बचा हुआ कहाँ से कहाँ तक का है? 1/4/2021 से 30/6/2022। मतलब कितने महीने हुए? एक चार 21 का बैलेंस शीट कब एंड होगा? 31/3 हाँ, और आगे कितने महीने? 3 एक्स्ट्रा, तो कितने महीना है? 15 महीने बोले तो अभी 55,000 में से तू पहले क्या करेगी? 55,000 में से टूवर्ड्स लाइफ पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी मतलब ड्राइंग्स होगा बेटा। यस सर। कितना? 40,000। ये कैपिटल में से माइनस करेगी, माइनस होगा। बचा कितना? 15,000। 15,000 में से कितने महीने के लिए है ये? 15 महीने के लिए। 15 महीने, हम लोग कितने महीने का बना रहे हैं? 12 महीने के लिए। 12 महीने का कितना होगा? 12,000। इसके लिए कैलसी लगता है? 15 महीने का 15,000 मतलब 3 0 बढ़ा है, तो 12 महीने में 3 0 बढ़ाने के लिए कैलसी लगता है मनीषा? मतलब तू ही सोच, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। 12 महीने का P&L में जाएगा और बचे हुए 3 महीने का क्या दिखेगा? बचे हुए 3 महीने का क्या दिखेगा? एडवांस में इंक्लूड कर पे कर दिया हमने, प्रीपेड करके बुलाते हैं उसको। देख, 4 आइटम्स होते हैं लाइफ में, अभी मैंने सिखाया होगा और तुझे याद होगा तो देख, अकाउंट्स कभी भी प्रीपेड होते हैं, पेएबल होते हैं, रिसीवेबल होते हैं एंड रिसीव्ड इन एडवांस होते हैं, और इंस्टीट्यूट उसी के साथ खेलती है। कभी सिखाया है ऐसा मैंने कुछ? हाँ। तो 3 महीने को हम लोग क्या बोलेंगे यदि 15 महीने का पे कर दिया तो? प्रीपेड। प्रीपेड बोलते हैं ना, कहाँ पे बताते बेटा ये प्रीपेड? प्रीपेड हमारी एसेट साइड। ठीक है, अच्छा हुआ तूने बताया। देखो, डेबिट कैपिटल में से माइनस मतलब डेबिट ही है, 12,000 भी डेबिट ही है और 3,000 भी डेबिट ही है, सभी डेबिट है पर सबका प्रेजेंटेशन अलग अलग है। तो 55,000 में से हमें ट्रायल बैलेंस पे अपडेट कर देंगे 55,000 को, ट्रायल बैलेंस में अपडेट कर देंगे। किधर गया? देख बेटा, कैपिटल में से माइनस 40,000 करेंगे, P&L के डेबिट में 12,000 लिखेंगे एंड प्रीपेड एसेट साइड पे प्रीपेड सभी डेबिट ही दिए ना बेटा हमने? यस सर, ये सभी डेबिट ही है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस को अपडेट किया। हालांकि सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट अपडेट नहीं किए है जिसको हमने साइड में लिखा है पेंडिंग, जो क्लोजिंग स्टॉक है, बाकी पूरा ट्रायल बैलेंस मेरा अपडेट हो चुका है। अब्दुल, ए बेटा अब्दुल,
अब्दुल, अमर प्रजापति। यस सर। बेटा मेरे में पेशेंस नहीं है क्या रे? बहुत है सर। बहुत है ना? यस सर। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मतलब इतना तुम लोगों को सोचने के लिए देने के बाद भी नहीं सोच पाते हो। और मैं लिख के देता हूं, जैसे ही प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, इसने आईएमपी एडजस्टमेंट लिखे कह रहे तूने 100 पेजेस के बुक में मनीषा? हाँ सर, लिखे। मनीषा, तुझे नहीं लगता कि मेरे में बहुत पेशेंस है? तू मुझे बार बार वही चीजें करने के लिए मजबूर कर रही है। देख बेटा, पेबल होगा या आउटस्टैंडिंग होगा या प्रीपेड होगा या रिसीवेबल होगा या रिस्यूड इन एडवांस होगा, बेटा ये जो नहीं समझ में आता ना अकाउंट्स में, तो बहुत मुश्किल है। एडजस्टमेंट्स, ठीक है चलो, अभी आई होप तुझे समझा होगा हर एडजस्टमेंट, ऐसा मैं एज्यूम करता हूं। कैश इन हैंड दो एडजस्टमेंट्स, आंसर भी तुम लोगों को दिखाता हूं कौन सा कहां पे गया। तुम लोग आंसर मत देखो, तुम लोग यहां पे स्क्रीन पे देखो।